दिस इज वेयर वी स्टार्टेड आवर जर्नी, और यहाँ से हम लोगों ने सबसे पहले ये समझ लिया कि व्हाट इज ई कॉमर्स, ये हमें पता चल गया था। यहाँ से अब हम लोग मजीद प्रोसीड किया हम लोगों ने, और फिर हम लोगों ने ये पता किया कि व्हाट इज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ठीक है जी। और यहाँ पे फिर हम लोगों ने मजीद इसको कर लिया था होस्टेड, सेल्फ होस्टेड, वर्डप्रेस, मैजेंटो एटसेट्रा, और उसके बाद हम लोगों ने होस्टेड शॉपिफाई, बिग कॉमर्स कॉमर्स, और उसके बाद मार्केट प्लेस Amazon, eBay, ठीक है जी। और फिर उसके बाद हम लोगों ने यहां से हम लोग इधर आ गए थे और हमने कहा था व्हाट इज Amazon एंड why, ठीक है जी। ये था हमारा यहाँ पे कंसर्न, और हम लोगों ने FBA FBM को समझा था, और हम लोगों ने ये भी देख लिया कि ड्यूटीज ऑफ VA, और उसके बाद हम लोगों ने सस्पेंशन के मसाइल देखे थे। तो ई कॉमर्स में हम लोगों ने यहाँ पे रिटेल आर्बिट्राज, ऑनलाइन आर्बिट्राज एंड ड्रॉप शिपिंग के कॉन्सेप्ट को भी समझा था। अब हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं, जो कि हमारा है प्रोडक्ट रिसर्च। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि प्रोडक्ट रिसर्च क्या है, और प्रोडक्ट रिसर्च में हम लोग करते क्या हैं। तो हम लोग थोड़ा सा जो हमारे पास स्लाइड्स हैं उनको गो थ्रू करते हैं, और देखते हैं कि हम इन स्लाइड्स के थ्रू हम लोग क्या लर्न कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे आपके पास, हम लोग इसको ओपन करते हैं, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये बताते हैं कि व्हाट डू यू नीड टू नो। तो एक्सपीरियंस जो FBA सेलर होगा या VA होगा, उसको Amazon पे सेलिंग के लिए, उसके लिए सबसे जरूरी है कि वो प्रोडक्ट रिसर्च को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करता हो। अगर आप प्रोडक्ट रिसर्च को समझते हैं, तो इसका मतलब है कि आप इस चीज़ को इंश्योर कर सकते हैं कि आप जो टाइम पुट इन करेंगे या आप जो एफर्ट्स लगाएंगे, उससे आप जो एक रीजनेबल सोर्स ऑफ इनकम आप जनरेट करना चाह रहे हैं, तो वो आप जनरेट कर सकते हैं। प्रोडक्ट रिसर्च आपका एक तो आपको अपने बिजनेस में भी यकीनन काम आ सकती है कि आपको मार्केट का अंदाजा होता है उससे कि किसी मार्केट में पोटेंशियल है या नहीं है, और अगर आप चाहें तो आप इसको एक समझ लें कि एक बिजनेस के तौर पे भी कर सकते हैं कि आप प्रोडक्ट अच्छी प्रोडक्ट फाइंड आउट करें, और उन प्रोडक्ट को फाइंड आउट करके आप मार्केट में सेल करें और वहां से आप इनकम जनरेट कर लें। ये सेलिंग आप फ्रीलांस मार्केट प्लेस के थ्रू कर सकते हैं, ये सेलिंग आप फेसबुक ग्रुप के थ्रू कर सकते हैं, और फर्ज करें कि अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो आप इसी लॉजिक को फॉलो करते हुए आप कैपिटल भी जनरेट कर सकते हैं। आपके पास जब भी काम मिलेगा, तो आपके पास तीन तरह का आपके पास प्रूफ होता है, तो आपको आपके पास काम आता है। उसमें सबसे पहला आपके पास है, या तो आपके पास कोई कह लें कि किसी तरह की कोई इंडोर्समेंट हो, कोई ब्रांड इंडोर्समेंट अगर आपके पास हो, तो आपके पास काम आना शुरू हो जाता है। जैसे आप फॉरन क्वालिफाइड हो, तो आपको निस्बतन मार्केट में आपके लिए एंटर करना आपके लिए आसान होता है। दूसरी सिचुएशन में यह है कि आपके पास कोई डिलीवरी का प्रूफ हो, अगर आपने पहले किसी को डिलीवर करके दिखाया, किसी को काम करके दिखाया,
वहां पे आपके पास डिलीवरी का प्रूफ हो, ठीक है जी। और यहाँ पे मुझे वॉइस का इशू बताया जा रहा है, आपको दो बताया, आपको कि दो आपके पास मार्केट में पेनिट्रेट करने के तीन तरीके आपको मैं बता रहा था। सबसे पहला ये था कि आपके पास कोई ब्रांड इंडोर्समेंट हो, आप किसी तरह से आपके पास कोई एक ऐसा फैक्टर हो जो कि आपको यूनिक कर रहा हो, जिसकी वजह से आप स्टैंड आउट कर रहे हो। सेकेंड ये है कि आपके पास डिलीवरी का कोई प्रूफ हो, आपने कभी किसी को सर्विस करके दिखाया हो और आपने किसी को काम करके दिखाया हो, तो आपके पास फिर कैपिटल खुद ब खुद आता है आपके पास। और तीसरा आपके पास ये है कि जब आप नॉलेज को एग्जिबिट करें, अपने नॉलेज को जब आप एग्जिबिट करते हैं तो भी आपके पास काम चल के आता है। अब लकीली अब आज आजकल हम लोग जिस एज में हैं, यहाँ पे हमारे लिए अपने नॉलेज को एग्जिबिट करना बहुत इजी है कंपैरेटिवली। आप अगर कुछ भी ना करें तो आप अगर एक इंस्टाग्राम पे आपका प्रोफाइल हो या ट्विटर पे आपका एक प्रोफाइल हो और आप वहाँ पे ही अपने आइडियाज को और अपने थॉट्स को वहाँ पे शेयर करना शुरू कर दें, या आप एक फेसबुक पेज बनाएं, लेट्स अज्यूम कि आप एक बीए का पेज बना लेते हैं या आप एक अमेजोन का रेलिवेंट एक पेज बना लेते हैं और उस पेज में जो भी आपके पास अमेजोन का रिलेटेड नॉलेज है उसको एग्जिबिट करना शुरू कर देते हैं, तो ओवर द टाइम आप देखेंगे कि आप खुद ब खुद अपॉर्चुनिटीज को एक्यूमुलेट करना शुरू कर देते हैं। तो जैसे कहा जाता है कि लक एक बस है, और ये जैसे अपॉर्चुनिटी आप कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी एक बस है, ये एक जाती है और दूसरी आ जाती है, लेकिन प्रोवाइडेड ये कि आप उसके लिए तैयार हों तो वो आपको दूसरी अपॉर्चुनिटी में आप उसमें सवार हो सकते हैं। तो आप जब जब आपके पास ये नॉलेज होगा तो आप नॉलेज के थ्रू या डिलीवरी के थ्रू और आपका क्या कहते हैं कि एक तरह से जब आपके पास अभी इंडोर्समेंट भी आ जाएगी, अब जब आप लोग टेप्टा सर्टिफाइड हो जाएंगे तो आपके पास एक टेप्टा की इंडोर्समेंट भी आ जाएगी और नॉलेज आपको ऑलरेडी मिल रहा है, और जैसे ही आपको होप्स हो कि सूनर और लेटर आपको कहीं से आप अपना काम कर लेंगे या किसी के लिए कोई काम कर लेंगे तो आपके पास डिलीवरी प्रूफ भी आ जाएगा। तो इन तीनों चीज़ों की मौजूदगी में फिर आपके लिए काम करना आसान हो जाएगा। उसके लिए ज़रूरी है कि आप ये जो बेसिक है, जो कि इसकी कह लें कि एसेंस है इस बिजनेस की, प्रोडक्ट रिसर्च, उसको अंडरस्टैंड करें। अच्छा, अब इसमें ये थोड़ा सा कि इट्स नॉट अ सिंपल प्रोसेस, ऐसा नहीं है कि आप मतलब जस्ट आपने एक कुछ नंबर डाले तो आपको प्रोडक्ट एक मिल गई। ऑल्दो के हम लोग इस चीज को यही कहते हैं कि आप जब प्रोडक्ट रिसर्च करें तो आपको कुछ फैक्टर बता दिए जाते हैं। जैसे आपको मैंने आपको आइडिया दिया था कि अगर आप हीलियम पे, मैंने आपको एक्सरे पे करके दिखाया था टूर पे, तो वहां पे मैंने आपको दिखाया था कि आप ये देखें कि वहां पे ब्रांड डोमिनेंस देखने के लिए आप देख लें कि एक ब्रांड वहां पे कितनी दफा आया हुआ है, एक ब्रांड की प्रोडक्ट कितनी दफा रैंक है। तो आप उस ब्रांड, अगर एक नीश में एक ब्रांड की प्रोडक्ट एक दफा से ज्यादा है या तीन दफा से ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि वो जो ब्रांड है वो ब्रांड डोमिनेंट है। लेकिन इसके बावजूद भी, उन नंबर्स के बावजूद भी, बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बहुत से ऐसे फैक्टर हैं जो कि आपको थोड़ा सा एक वैसे भी ओवरव्यू, एक वैसे आपको अपनी एक कॉमन सेंस डिप्लॉय करनी पड़ती है कि ये प्रोडक्ट आया बिक सकेगी या नहीं बिक सकेगी। इसमें जो आपके आपको इसमें जो आपकी कह लें कि कॉमन सेंस डेवलप करने में, उसमें जो लोग ऑलरेडी कोई बिजनेस अगर कर चुके हैं तो उनके लिए ये चीजें थोड़ा सा कंपेरेटिवली ईजी होती हैं। तो बारह नंबर की हद तक हम आपको ये बताएंगे कि आप इस चीज को देखें, इस चीज को देखें, इस चीज को देखें, ये चार पांच दस चीजें आप अगर इनको इंश्योर कर लें तो उसमें गालिब इम्कान हो जाता है कि आपके पास एक प्रोडक्ट ऐसी आ जाएगी जो कि अच्छी सेल हो सकती है। ठीक है जी, अमेजोन अकाउंट बन गया। अमेजोन अकाउंट बन के बाद उसके बाद डेफिनेटली जब भी आपने करना है या आपके बिजनेस में करना है तो प्रोडक्ट रिसर्च समझ लें कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, एंट्री पॉइंट है। यहीं से सारा जो है ना, एक स्पायरल जो आपकी सक्सेस का या फेलियर का, वो यहीं से स्टार्ट होगा। तो प्रोडक्ट रिसर्च इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। अब इसमें यह है कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये भी समझने की जरूरत है कि जो डेटा है वो डेटा या डेटा क्यों जरूरी है। आपको डेटा के बेस पे आप जो डिसीजन लेते हैं वो आपके इन्फॉर्म डिसीजन होते हैं। आप लोगों में से जो लोग हायर एजुकेशन थोड़ा सा कर रहे हैं, जो कि पीएचडी वगैरह में है, वहां पे आपको रिसर्च एज ए टॉपिक पढ़ाई जाती है। तो रिसर्च में आप ये देखते हैं कि जब आप डेटा आपको ना क्लियर आपको हेल्प आउट करता है, किन चीजों में हेल्प आउट करता है, आपको एक तो डिस्क्राइब करने में हेल्प करता है, दूसरा आपको प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है। मैं ठीक कह रहा हूँ जी, ऐसा ही है। जब आपके पास डेटा होगा तो आप एक बेटर प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो बेटर प्रिडिक्शन के लिए जरूरी है कि आपके पास डेटा हो। तो दो तरह के डिसीजन आप लेंगे, जो दो तरह के आप डिसीजन लेते हैं उनमें एक आपका हो गया
ऑन द बेसिस ऑफ डेटा। दूसरा डिसीजन आपका हो गया गट फीलिंग। गट फीलिंग डेफिनेटली जी, गट फीलिंग डेफिनेटली जो लोग क्या कहते हैं एक्सपीरियंस्ड हैं और वो ओवर द टाइम आप कभी एक्सपीरियंस आप में से जो लोग एक्सपीरियंस किसी भी फील्ड में एक्सपीरियंस है ना, तो वो मेरी इस बात से इत्तफाक करेंगे कि लेट्स अज्यूम कि आप एक डेवलपर हैं, वेबसाइट डेवलपर हैं आप, तो एक खास अरसे के बाद आप चीजों को शेप में देखना शुरू कर देते हैं। आप अगर कभी वेबसाइट का नाम लिया जाए तो आपके जहन में एक शेप आती है। ये हमारे मेरे एक जानने वाले थे, वो साइंटिस्ट थे और वो पेट्रोलियम ड्रिलिंग करते थे नॉर्वे में, और यहाँ सियालकोट से ही है। पेट्रोलियम ड्रिलिंग का जो जब पेट्रोलियम ड्रिलिंग करते हैं तो उसमें जो पॉकेट्स होती हैं छोटी छोटी, वो बस कर जाती हैं, जिसकी वजह से वो धमाका वगैरह हो जाता था। उन्होंने वो तरीका डिवाइस किया था कि किस तरह ड्रिलिंग की जाए कि वो पॉकेट्स जो है ना वो एक्सप्लोड ना करें। तो वो कहते थे कि ओवर द टाइम हम लोगों को ये जो मॉलिक्यूल्स और ये जो आप डेंसिटी वगैरह ये चीजें जो हम थ्योरेटिकली पढ़ते हैं ना, तो चीजें अपनी शेप में नजर आना शुरू, वो चीजें आपको एक शेप में नजर आना शुरू हो जाती हैं। तो डेफिनेटली आपकी जो गट फीलिंग है वो आपको ओवर द टाइम डिसीजन लेने में हेल्प आउट करेगी, लेकिन इवन देन जो डेटा है वो आपका फिर भी आपका एक प्राइम लोकेशन रखता है आपका, कि जो डेटा की बुनियाद पर आपका डिसीजन होगा वो क्लियर कट होगा। मेरे पास बहुत सी एग्जाम्पल है, मैं आपको वो एग्जाम्पल भी अगर दे सकता हूँ। और एक बुक है, द बुक वो है उनकी चार्ल्स डवेक की, द पावर ऑफ हैबिट। उसमें उन्होंने बड़ी बड़ी एस्टोनिशिंग जो है ना स्टडीज मेंशन की हुई हैं। अगर आपको कभी इत्तफाक हुआ वो बुक पढ़ें, तो उसमें एक रिसर्च उन्होंने मेंशन की हुई है, हम सब यहाँ पे बैठे हुए, तो उसमें एक रिसर्च उन्होंने इनकी मेंशन की है टारगेट स्टोर की। तो टारगेट स्टोर ने वहां पे ओवर द टाइम उन्होंने डाटा कलेक्ट किया, और डाटा कलेक्ट करके वो क्या करते थे कि कस्टमर के बिहेवियर की बेस पे उनको वो प्रोडक्ट टो करते थे जो कि उनको उनको फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी, जो कि गालिब मतलब गालिब इम्कान होगा कि वो उनको जरूरत पड़ सकती है। तो एक फीमेल में एक टेंडेंसी आती है कि जब वो जो बेबी प्रोडक्ट्स जब लेनी होती हैं तो उसमें उनका जो ऑर्डरलेस परफ्यूम से आई थिंक वो शिफ्ट हो जाता है ऑर्डरलेस की तरफ। तो जब वो उनके जो रिसर्चर था या जो डेटा स्टैटिस्टिक्स इकट्ठा करने वाला बंदा था, उसने ये नोटिस किया कि जब फीमेल ड्यूरिंग जब उनको बेबी प्रोडक्ट की जरूरत होती है तो वो ऑर्डरलेस से आई थिंक ऑर्डर वाले परफ्यूम से ऑर्डरलेस की तरफ शिफ्ट होती हैं। तो वो उनको टो करते थे प्रोडक्ट वो वाली जो कि उनको जरूरत हो सकती है। तो एक ऐसा सिचुएशन वहां पे आई कि एक वहां पे कोई फादर थे, उन्होंने उनको जो है वो कर दिया, उन्होंने उनके ऊपर केस कर दिया या उनको एक तरह से शिकायत कर दी कि हमारे साथ में हमारे तो घर में कोई बेबी वगैरह नहीं है, तो आप हमारी बेटी को क्यों ऐसी प्रोडक्ट आप शो ऑफ करवा रहे हैं जो कि बेबी प्रोडक्ट्स हैं। तो लेटर ऑन इट टर्न्ड आउट टू बी कि वो अभी फीमेल को भी नहीं पता था कि उसको लेटर ऑन अर्ली फ्यूचर में जाके उसको ऐसी सिचुएशन की जरूरत पड़ेगी। तो वो जो कलेक्टिवली डेटा की बुनियाद पर जो डिसीजन होते हैं वो इतने इन्फॉर्म डिसीजन होते हैं, और आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आपका जो बंदा भी आपके पास आया वो अल्टीमेटली कैसे बिहेव करेगा। ये एक जो बुक ये मेंशन कर दिया उन्होंने शुमाइल द बुक ऑफ द पावर ऑफ हैबिट्स। तो अब ये है कि वो इसकी एक और एग्जांपल है कि मार्केटिंग में एक हम लोग कहते हैं कि एक इटरेशंस होती हैं। एक इटरेशंस ये है कि आपने भी इस चीज को देखा होगा कि जैसे मैं इस चीज पे एक काफी अर्से सोचता रहा कि आप एक टॉपिक के ऊपर अगर आप एक बुक पढ़ चुके हैं तो आपको उस बुक को दोबारा क्यों पढ़ना चाहिए, आपको उस बुक को दोबारा मतलब एक टॉपिक आप सक्सेस के ऊपर अगर आप ले एक इन्फॉर्मेशन ले चुके हैं तो दोबारा आपको उस बुक को उसी तरह की किसी बुक को पढ़ने की शायद जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो वैलिड पॉइंट है वो दोबारा उसी टॉपिक को पढ़ने का वो ये है कि इटरेशन मैटर करती है। जब आप एक टॉपिक को एक चीज को तकरार के साथ सुनते हैं तो ओवर द टाइम आप उसके ऊपर यकीन कर देते हैं। तो जब किसी कॉन्सेप्ट को आप तकरार में सुनेंगे तो वो आप उसको जो है एम्ब्रेस कर लेंगे। यही चीज आपकी मार्केटिंग में होती है। तो आप अगर देखें कि आपने अगर कभी एक्सपीरियंस किया हो तो आपको जब ये कोई नया सॉन्ग आता है तो वो नया सॉन्ग आपको शुरू में अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो आपको बार बार सुनाया जाता है, और बार बार जब आपको वो किसी एड के थ्रू या किसी यूट्यूब के थ्रू आपको वो अगर डिस्प्ले होता है
तो आप एक वक्त आता है आप कहते हैं यार अच्छा गाना है, मतलब इतना बुरा गाना भी नहीं है। तो ये रिसेंटली अब अगर गाड़ियों की एग्जांपल लें आप, तो गाड़ियों की एग्जांपल में भी इसी तरह से है कि जब ये लेटर ऑन जब रिसेंटली ऑल्टो का मॉडल उन्होंने चेंज किया, तो इनिशियली वो मॉडल किसी को भी इतना अच्छा नहीं लगा। इसी तरह कल्टस के मॉडल में वो कल्टस की शेप भी किसी को इतनी अच्छी वो नहीं लगी, मेजोरिटी को। लेकिन ओवर द टाइम जब आप वो चीज तकरार में देखते हैं, तो आप उस कॉन्सेप्ट को एम्ब्रेस कर लेते हैं। ठीक है, मेरी आवाज डिस्टर्ब है जी? बीच में ड्रॉप हो गई होगी आई थिंक वो आवाज। मैं वेट कर लेता हूँ। सो मैंने आपको ये सारी की सारी जो तमहीद बांधी, मैंने आपको ये बताने के लिए बांधी कि आप डेटा की अहमियत को समझें, कि आप के जो डेटा की बुनियाद पे जो डिसीजन आपके होते हैं वो इन्फॉर्म डिसीजन होते हैं, और जितना ज्यादा आप डेटा को यूज करके डिसीजन लेंगे वो आपके एक्यूरेट होंगे। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि अगर हम डेटा वैसे कलेक्ट करें तो हमारा जो डेटा कलेक्शन होगी वो कैसे होगी। नॉर्मली फर्ज करें कि हम लोगों ने जब इसको अमेजोन को देखा था, तो हम लोगों ने ये कहा था कि या अगर आप इसको यही देख लें कि आपको ये कहा जाता है कि जी किसी प्रोडक्ट का जो रिव्यू और BSR है वो ये डिटरमिन करता है कि वो प्रोडक्ट कंपेटिटिव कितनी कंपेटिटिव है। तो आप यहाँ से फर्ज करें डिपार्टमेंट में चले जाते हैं यहाँ से, और डिपार्टमेंट में जाके आप फॉर इंस्टेंस यहाँ से आप चले जाते हैं जी। वॉइस का इशू आपके, जब यहाँ से आप देखेंगे तो हम किसी डिपार्टमेंट के ऊपर चले जाते हैं। फॉर इंस्टेंस हम यहाँ पे स्पोर्ट्स में ही चले जाते हैं, स्पोर्ट्स में हम लोग हंटिंग एंड फिशिंग में चले जाते हैं। अब हंटिंग एंड फिशिंग में ये हमारे पास कैटेगरीज आ गई। तो अगर अब हम लोगों ने ये यहाँ से डेटा कलेक्ट करना हो, तो अब ये ऑप्टिक्स आ गई हैं। तो ऑप्टिक्स में अगर ये आपके पास प्रोडक्ट हैं, तो अगर आप ऑप्टिक्स में आपको इन प्रोडक्ट्स का डेटा निकालना हो, तो आप क्या करेंगे? आप वन बाय वन एक 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 आइटम निकालेंगे, आइटम निकाल के प्राइस नोट करेंगे, प्राइस नोट करके फिर आप एक एक आइटम को ओपन करेंगे, एक एक आइटम को ओपन करके आप उनके रिव्यूज और दूसरी सारे फैक्टर उनके कलेक्ट करेंगे, और आप उससे अंदाजा कर सकते हैं कि दैट विल बी वेरी मच टाइम टेकिंग। अगर तो ये डाटा आपका शीट के ऊपर होगा, एक्सेल शीट के ऊपर या गूगल शीट के ऊपर, तो चले फिर तो आप इसके ऊपर किसी तरह के भी चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मैनुअल कलेक्शन करेंगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारी जो आती है इम्पोर्टेंस, वो हमारे यहाँ पे फिर सामने हमारे आती है टूल्स की, कि टूल्स जो हैं वो आपके लिए बहुत से काम आसान कर देते हैं। जैसे अभी ये ग्रुप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में एक वीडियो शेयर की गई थी, वो कोई नाबीना थे और उनके पास कोई ऐप थी जो कि उसके ग्लासेस में थी, तो वो टूल उनको अनेबल कर रहा था कि वो उसको, मतलब अगर नाबीना भी है तो उसके बावजूद भी वो फंक्शन कर सकें। तो टूल्स आपको आपका जो इतना ज्यादा काम है जो कि आप मैनुअल वर्क है आपका, वो आपका सारे का सारा इजी कर देते हैं। और इसी वजह से हम लोग भी जब प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे तो उसके लिए हम लोग टूल्स यूज करेंगे, और जो टूल्स यूज करेंगे उनकी तरफ हम लोग आते हैं कि हम उनको कैसे करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाते हैं हम लोग, ये भी समझ लिया कि हमें उसके लिए टूल चाहिए। तो उसके बाद यहाँ पे है कि द प्रोसेस ऑफ रिसर्चिंग प्रोडक्ट सेल इज एग्जैक्टली दैट प्रोसेस इज एनालाइजिंग, वो यही हो गया आपका कि आप उस पूरी मार्केट को देखेंगे, और मार्केट में जो आपको सबसे वैल्यूएबल प्रोडक्ट लगेगी वो आपके लिए, आप उस एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। और ठीक है जी, ये आपका इसको मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि यहाँ से आप इसको कैसे करेंगे असेस। अच्छा, इसके मैं आपको यहाँ पे ना एक मैनुअल की एग्जांपल दिखा देता हूँ, कि यहाँ पे अगर आपको मैनुअल की एग्जांपल आपने लेनी हो, तो आप के पास फर्ज करें आप यहाँ से चले जाते हैं अली एक्सप्रेस के ऊपर। अली एक्सप्रेस के ऊपर आप जाएं यहाँ से, फॉर इंस्टेंस आप यहाँ पे चले जाते हैं कंप्यूटर, और कंप्यूटर में आप कंप्यूटर की कैटेगरी में चले जाते हैं। स्क्रीन नहीं आ रही आपकी, मैं एक मिनट शेयर करता हूँ, सॉरी।
ओके जी, ये मैं अली एक्सप्रेस पे आपके सामने आ गया और अली एक्सप्रेस पे मैं यहाँ पे होम पेज पर हूँ अभी, और यहाँ से मैं चले मेंस फैशन में चला जाता हूँ, हुडीज में और स्वेट शर्ट में। तो इसको हम लोग ऑफ करते हैं। तो यहाँ पे आप अगर देखें तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रही है सॉर्ट बाय की, ये सॉर्ट बाय की, ठीक है जी। अगर यहाँ से इसको मैं करूँ ना ऑर्डर्स, तो आप ये देखिएगा कि इसने जो रिकॉर्ड है ना उसको सॉर्ट कर दिया, ठीक है जी। और इसको मैं फर्दर अगर आपके लिए इलैबोरेट कर दूं यहाँ पे, तो आप ये देखिएगा कि ये इसके इतने यूनिट सोल्ड हैं, तो इसके इतने यूनिट सोल्ड हैं। तो आप अगर मैनुअल एक तरह से रिसर्च अगर करेंगे, तो आप समझ लें कि आप इसी तरह मुख्तलिफ साइट्स पे जाएंगे और मुख्तलिफ साइट्स पे जाके फिर आप उसमें से फिर असेस करने की कोशिश करेंगे कि कौन सी प्रोडक्ट जो है वो सेलेबल है। फॉर इंस्टेंस हम लोग ई बे पे अगर चले जाएँ, तो ई बे पे भी इसी तरह जैसे अगर इस प्रोडक्ट के ऊपर हम लोग गए थे, तो इसी प्रोडक्ट को अगर हम लोग देखें, तो यहाँ पे ये देखें कि ये जो आपके पास आ रहे हैं ये जो इंडिकेटर आ रहे हैं, तो ये आपको एक तरह से बताते हैं, एक तो 20 व्यूज पर डे आपको बता रहा है कि डेली का अगर ये प्रोडक्ट 20 दफा देखी जा रही है, तो दैट मीन्स कि इसके चांसेस हैं कि ये बिक सकती है अच्छी। उसके बाद आप अगर यहाँ पे ये देखें तो आपको 32 सोल्ड नजर आ रहे हैं इसके, ठीक है जी। अगर 32 सोल्ड के ऊपर भी आप क्लिक करें, तो फिर आपको देखेंगे कि ये आपको मजीद इनसाइड व्यू देगा, और यहाँ पे ये आपको ये बताएगा कि ये देखें मैं आपके लिए इसको थोड़ा सा हाईलाइट करता हूं, तो आप देखिएगा कि यहाँ पे आप इसको देखें, 5 जनवरी को एक आइटम सेल हुई, 3 जनवरी को एक आइटम सेल हुई, और 30 दिसंबर को हुई, 12 को हुई, 11 को हुई, 11 में 3 हुए और 4 हुए। तो इसका मतलब है कि इसकी ये आइटम कंसिस्टेंटली ये आइटम इसकी सेल हो रही है, तो तकरीबन मंथ में को समझ लें आपके 10-15 पीस सेल हो रहे हैं। और यहाँ पे आप इसको साइज भी देख सकते हैं, तो इस तरह से आप कलेक्शन कर सकते हैं डाटा की, बट ये सब के सब मैनुअल होगी और आपको इसमें एक बहुत ज्यादा वर्कलोड इसमें इन्वॉल्व होगा, तब जाके आप इसको अचीव कर पाएंगे। अगर आप गलत डिसीजन लेते हैं, फर्ज करें प्रोडक्ट रिसर्च में ही गलत डिसीजन लेते हैं, तो वो आपको बहुत ज्यादा कॉस्ट करेगा। सबसे पहले तो आपको समझ लें कि आप उस प्रोडक्ट को बनवाएंगे, बनवा के आप इतने ज्यादा एफर्ट करके उसको वहां पे भेजेंगे अमेजोन के वेयर हाउस में, चले वेयर हाउस में आपने भेज दी, तो वेयर हाउस में भेज के उसके बाद वो आइटम अगर बिकेगी नहीं, तो बिकेगी नहीं तो फिर आपको स्टोरेज फी पड़ेगी। तो जैसे ही आपके 6 माह गुजरेंगे, 6 माह बाद आपको स्टोरेज फीस पड़ना शुरू हो जाएगी, और वो आपको वो तब वो स्टोरेज फीस सम केसेस में इतनी है कि बाज़ औक़ात जो आइटम की सेलिंग प्राइस है उससे ज्यादा स्टोरेज फी पड़ जाती है। फिर आपको अगर वो आइटम वहां से रिमूव करवाना है, आपने फर्ज करें कि आप कहते हैं जैसे अभी सवाल हो रहे थे कि वो आइटम अगर हम लोग वहां से रिमूव करवाना चाहें, तो आप रिमूवल ऑर्डर भी अगर करेंगे तो वो भी आपको कॉस्ट करेगा। अब फर्ज करें कि आप रिमूवल ऑर्डर अगर आप करवाएं भी, तो अगर तो रिमूवल ऑर्डर आप यहाँ पे किसी आइटम को वापस यहाँ पे लेके आते हैं, तो आपको अंदाजा होगा कि जब पाकिस्तान में अगर कोई आइटम आएगी तो आपको इम्पोर्ट ड्यूटी भी पड़ेगी। तो ओवरऑल ये सारे का सारा प्रोसेस आपको रिटर्न की सूरत में ये आपका टोटल लॉस होगा। तो यहाँ से आपको ये अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये आपके जो डिसीजन है ये कितना इम्पोर्टेंट है और आपको इसको क्यों करने की जरूरत है। अगर इसी तरह आप इसमें प्रोडक्ट सोर्सिंग में गलती कर दें, तो प्रोडक्ट सोर्सिंग में भी अगर आप मैन्युफैक्चरर को प्रॉपर स्पॉट नहीं करेंगे और किसी अरे गहरे नथु हरे से आप प्रोडक्ट बनवा के वहां पर सेंड कर देंगे, तो उस सूरत में भी आपको अभी आपके सामने जैसे बात हुई, आपका क्या होगा, आपकी परफॉर्मेंस में डिप आएगा, रिटर्न ज्यादा आएंगे, आपको अमेजोन भी का आपका अकाउंट भी जाएगा रिस्क पे, और आपको प्रोडक्ट के भी पैसे पड़ेंगे। तो इसलिए आपको जितने भी ये प्रोडक्ट के रिसर्च है और ये सोर्सिंग है, इसका नॉलेज होना और किसी प्रॉपर मेंटोर से आपको इसकी इंस्ट्रक्शन देना, ये आपके लिए जरूरी है, क्योंकि मेंटोर आपको बहुत से ऐसे पिटफॉल से बचा लेता है जो कि आपको खुद आप जब उनसे गुजरेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। लर्निंग के भी दो तरीके हैं, एक तरीका ये कि आप दो तीन तरीके हैं, एक तो ये कि आप किसी को ठोकर खाता हुआ देख लें और सीख लें, और दूसरा तरीका ये है कि आप खुद ठोकर खा कर सीख लें। तो उसमें फिर आपको बेहतर यही है कि आप किसी का हाथ पकड़ लें, ज्यादा बेहतर रहता है कि आप प्रोडक्ट रिसर्च करने जा रहे हैं, प्रोडक्ट रिसर्च करने जा रहे हैं मतलब आप प्रोडक्ट ढूंढने जा रहे हैं, तो अगर आपको यही नहीं पता कि आपको क्या ढूंढना है तो आप कैसे ढूंढेंगे। तो उसके लिए जैसे रिसर्च में भी करते हैं या किसी भी कॉन्सेप्ट को जब आपने एक्सप्लेन करना हो, तो सबसे पहले आप उस कॉन्सेप्ट को डिफाइन करते हैं। तो इसी तरह जब हम लोग भी आपको प्रोडक्ट रिसर्च सिखाएंगे, तो प्रोडक्ट रिसर्च में हम लोग आपको पहले
एक डेफिनेशन देंगे अच्छी प्रोडक्ट की, और एक अच्छी प्रोडक्ट के आपको एट्रीब्यूट्स बताएंगे कि एक अच्छी प्रोडक्ट में ये चीजें होंगी, और फिर आप उन्हीं चीजों को जब बैक में मतलब टूल्स के जरिए उन्हीं पॉइंट्स को आप वैलिडेट करके जब आप कोई प्रोडक्ट ढूंढेंगे तो आपका वो एक तरह से आपका कह लेंगे आपको आइडियल विनिंग प्रोडक्ट जो कि आपने शुरू में वेरी पहले स्टेप में आपने डिफाइन की थी वो आपको फिर मिल जाएगी। अब टूल्स में ये कि आपको एनालिसिस मिलेगा हर तरह का जो एनालिसिस मिलेगा वो आपको, जैसे आप गूगल ट्रेंड में चले जाएं तो 5 साल की आपको सेल हिस्ट्री मिलेगी, और आपको पता चलेगा कि वो कीवर्ड 5 साल से आया कंसिस्टेंटली सर्च हो रहा है, और अगर कंसिस्टेंटली सर्च हो रहा है तो क्या उसकी 5 साल में वैसी की वैसी ही डिमांड रही जैसी कि उसकी अब है, तो आप को फिर वो भी हेल्प करेगा एनालाइज करने में। जी मोहसिन, क्या कोई सवाल करना है आपने? आप ये समझ लें कि आपका मैंने आपको बताया था कि आपके पास गूगल के पास जो है वो सर्च हिस्ट्री है, और फेसबुक के पास क्या है जी, इंटरेस्ट इंटरेस्ट का इंफॉर्मेशन है, अमेजोन के पास जो है वो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है, प्रोडक्ट की और बाइंग की इंफॉर्मेशन जो है वो अमेजोन के पास है। तो अमेजोन पे जो लोग सर्च करते हैं वो मतलब उससे पता चलता है उनको कि कौन सी प्रोडक्ट इन डिमांड है। अच्छा, अब ये है कि आप ये जो नंबर्स आप यूज करेंगे टूल्स में, तो टूल्स आपको जो नंबर देंगे वो जो ऑलरेडी किसी प्रोडक्ट की या किसी सेलर की परफॉर्मेंस है उसकी बेस पे देंगे। तो इसमें आपके लिए जो वो है ना, किसी प्रोडक्ट का ऑलरेडी मौजूद होना ज्यादा जरूरी है। जैसे आपको अभी शायद ये इन्फॉर्मेशन हो आपको, क्योंकि यूएई की मार्केट अभी नहीं है, तो यूएई की मार्केट के लिए अभी टूल्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है? तो टूल्स आपको तभी कोई असेसमेंट दे सकेंगे जब वो प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट प्लेस में होगी। अगर एक प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट प्लेस में है ही नहीं, तो टूल्स आपको क्या बता सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा टूल्स आपको ये बता सकते हैं कि आया वो कीवर्ड सर्च होता है, ठीक है? तो वो आपको इतना ही बता सकते हैं। तो आपको ये समझने के लिए कि क्योंकि अमेजोन बिग फोर में आती है और अमेजोन के पास कमर्शियल इंटेंट है, तो आप ये समझ लें कि अमेजोन पे लोग अगर प्रोडक्ट खरीदने नहीं आ रहे तो कम से कम कंपेयर करने के लिए आ रहे हैं, या एक असेस करने के लिए आ रहे हैं प्रोडक्ट को कि ये प्रोडक्ट कितने की होगी या कितने की मिल सकती है। तो उस सूरत में जो प्रोडक्ट ऑलरेडी अमेजोन के ऊपर परफॉर्म कर रही है वही उसी में काम करना आपके लिए ज्यादा फिजिबल है। आप अगर चाहें तो जैसे अगर हम लोकल एग्जांपल लें, आप जुनैद जमशेद की ले लें या खाड़ी की ले लें, तो आप आज जो है वो आप आज निकाल के देख लें डाटा, आप आज कोई लॉन्च कर लें कंपनी, कोई आपको मना नहीं करेगा, कोई आपको रोक नहीं सकता। लेकिन आप अगर जुनैद जमशेद से डाटा निकलवा के उसको करेंगे काम, तो फिर आप उन्हीं आर्टिकल में काम कर सकते हैं जो कि जुनैद जमशेद कर रहा है, उनसे हटके नहीं कर सकते। आप वैसे एक आइडिया ले सकते हैं, जैसे अगर आप रोड का आइडिया लेना चाह रहे हो, तो आप रोड पे कोई बिजनेस शुरू करना चाह रहे हो, तो आप ये देख सकते हैं यार इस रोड पे इतना ट्रैफिक है, अगर इस रोड पे इतना बंदा गुजरता है और इतना बंदा यहाँ पे एक बंदे के पास आता है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इस काम के लिए भी कोई बंदा आएगा। तो वो इस तरह से आप असेस कर सकते हैं, लेकिन कोई ऐसे कोई प्रॉपर वे नहीं है कि आप उस प्रोडक्ट को ही फाइंड कर लें जो कि अमेजोन पे नहीं है और लोग उसको सर्च कर रहे हैं, ठीक है जी? जी मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका सवाल है कि जी सोर्सिंग और सर्चिंग डिटेल्स और डिफरेंस इनका क्या है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, इसको आप सबसे पहले तो प्रोडक्ट लगा लें इन दोनों के सामने ना, एक प्रोडक्ट रिसर्च है और एक प्रोडक्ट सर्चिंग है और एक प्रोडक्ट सोर्सिंग है, ठीक है जी? तो रिसर्च तो जो है ना वो आइडियल प्रोडक्ट है जिस पे काम करना चाहिए, जिसे वो कहते हैं ना वो परी कहाँ से लाऊं तेरी दुल्हन जिसे बनाऊं, वो परी ढूंढना जो है ना वो रिसर्च है, ठीक है जी? तो उसके बाद जो उस प्रोडक्ट को ढूंढना बनवाना है आपने, वो आपकी सोर्सिंग है, कि आप उसको बनवाएंगे किससे, ठीक है जी? तो जो जिसमें काम करना है, जिस प्रोडक्ट में काम करना है वो रिसर्च है, और उस प्रोडक्ट को बनवाना किससे है वो सोर्सिंग है। अंडरस्टूड है? जी
एक दो लतीफे से समझा दूं आपको। प्रोडक्ट रिसर्च इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द राइट प्रोडक्ट द राइट अपॉर्चुनिटी दैट विल गिव यू द प्रॉफिट दैट यू आर एक्सपेक्टिंग टू अर्न फ्रॉम दैट प्रॉफिट दैट प्रोडक्ट। ठीक है जी, किसी भी आप अमेजोन पे क्या, अगर फर्ज करें आप अपना बिजनेस कर रहे हैं अमेजोन पे, तो क्यों कर रहे हैं अमेजोन पे? आप अपना बिजनेस इसलिए कर रहे हैं कि आपको प्रॉफिट हो, तो वो प्रॉफिट आपको किससे होगा? किसी ऐसी प्रोडक्ट से होगा जो कि बिकेगी। तो आप उस प्रोडक्ट को ढूंढने के लिए जो कि बिकेगी, जो प्रोसेस है उसे हम लोग प्रोडक्ट रिसर्च कहते हैं। तो ये एक जो प्रोडक्ट रिसर्च होगी उसके बाद हमें एक प्रोडक्ट मिल जाएगी। मतलब फर्ज करें कि हमने रिसर्च कर ली और रिसर्च करके हम लोग इस नतीजे पे पहुंच गए कि ये जो लेदर जैकेट मेरे सामने आ रही है ना, ठीक है जी, सॉरी क्लिक हो गया, ये जो लेदर जैकेट मेरे सामने आ रही है ये वो राइट प्रोडक्ट है। ये इसके 32 पीस बिक रहे हैं और महीने के 10 पीस बिक रहे हैं, ये तो बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है और यही मैं सेल करूंगा। ठीक है, आपने कर लिया फैसला, हम कहते हैं वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा फैसला कर लिया। लेकिन अब ये आप बनवाएंगे कैसे, ये प्रोडक्ट आपके पास आएगी कैसे? तो ये जो प्रोडक्ट जहां से आएगी वो जो प्रोसेस है वो आपका सोर्सिंग कहलाएगा। तो ये आपने जो कहा कि इनका अच्छा सवाल ऊपर चला, अच्छा ये प्रोडक्ट जो आप ढूंढ लेंगे ना, तो फिर वो आप अमेजोन पे प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे। तो वो जो लिस्ट करेंगे, आप अमेजोन पे अकाउंट होगा आपका या कस्टमर का आपका, फिर वो प्रोडक्ट आप पहले रिसर्च करेंगे, रिसर्च करके फिर आप उसको बनवाएंगे, बनवा के फिर आप उसको लिस्ट करेंगे, लिस्ट करके वो फिर आप उसको रैंक करेंगे और फिर वो बिकेगी आपकी। ये सारा प्रोसेस उसी का ही है, आप शुरू में ही हैं। प्रोडक्ट रिसर्च समझ लें पहला स्टेप है आपका। तो अगर नहीं भी समझ आ रहा तो आगे जाके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। जो नॉर्मली प्रोसेस हैं वो सारे के सारे इस कैटेगरी में फॉल करते हैं आपके, ये ओवरलैप भी कर जाते हैं सम टाइम। सबसे पहले आप इस तरह मूव करेंगे, सेकंड फेज में आप फिर इधर जाएंगे, इसके बाद आप शिपमेंट प्लान क्रिएट कर लेंगे, फिर आप लिस्टिंग करेंगे, उसके बाद आप उसको एडवर्टाइजिंग करेंगे, एडवर्टाइजिंग के बाद फिर आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगी। तो आपका जो एक बिजनेस साइकिल होगा अमेजोन का, वो इस तरह से आपका ऑपरेट करेगा। तो प्रोडक्ट रिसर्च तो आप लोगों ने कर ली, अब आपने प्रोडक्ट ढूंढनी होगी। प्रोडक्ट ढूंढने के लिए लोग आपको हायर कर सकते हैं, और जब प्रोडक्ट ढूंढने के लिए लोग आपको हायर करेंगे तो उसमें भी जैसे हम लोगों के पास एक क्राइटेरिया हम लोगों ने बना रखा था उसका, एक अच्छी प्रोडक्ट का, इसी तरह हम लोगों के पास एक अच्छे सप्लायर का भी क्राइटेरिया अवेलेबल है। और उसमें भी अगर आप लोग करना चाहें पार्टिसिपेट, तो आप बता सकते हैं कि एरो मैंने लगा दी है जी, आप लोग बता सकते हैं कि एक अच्छे सप्लायर के क्या क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं आपके ख्याल में? एक अच्छा सप्लायर आपके ख्याल में क्या क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं उसके? कोई बताना चाहेगा? गुड रिव्यूज, ठीक है जी, और ऑनेस्ट आ गया, ओके, गोल्ड मेंबरशिप आ गया जी, ठीक है, गुड मैनेजमेंट आ गया, टाइमली रिस्पांस आ गया, ठीक है, ठीक है, प्रोफेशनल बिहेवियर आ गया। अच्छा, अब ये आपका जो है ना, आपकी ये सारे के सारे पॉइंट्स मोर और लेस, आपका गुड सपोर्ट भी आप इसमें डाल लें, गुड सपोर्ट भी आप इसमें डाल सकते हैं, ठीक है जी। और ये जो आपके पास सारे के सारे जो चीजें हैं, फिर इन्हीं को मद्देनजर रखते हुए आप सप्लायर को फाइंड आउट करते हैं। सप्लायर को फाइंड आउट करने के लिए जो हमारे पास सोर्सेज अवेलेबल हैं, या जो सोर्सेज अवेलेबल हैं हमारे पास, उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास जो सोर्सेज अवेलेबल हैं वो, उसमें alibaba.com है, globalsources.com, और उसके बाद आपके पास है
इंडिया मार्ट आप चाहें तो इंडिया मार्ट भी ट्राई कर सकते हैं। और उसके पास आप उसके बाद आपके पास यहाँ पे हमारे पास लोकल मार्केट भी अवेलेबल। जैसे अब हम लोग देखते हैं कि फायर जो लोग सर्विस ऑफर कर रहे हैं इसकी प्रोडक्ट सोर्सिंग की, तो वो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें लोगों को लोग उनसे रिक्वायर करते हैं या लोगों को वो क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अच्छा ये याद रखिएगा कि जो बंदा फाइबर पे अगर कोई फीचर दे रहा है ना आपको किसी भी सर्विस के, तो दैट मीन्स कि वो तकरीबन वही फीचर होंगे जो कि बायर यूजुअली किसी प्रोडक्ट में देखता होगा। तो आप फाइबर को इन अ वे लर्निंग के लिए भी यूज कर सकते हैं कि फर्ज करें कि आपको नहीं पता कि एक अच्छा सप्लायर क्या होता है या अच्छा सप्लायर कैसे ढूंढेंगे। तो आप यहाँ पे अगर करते हैं अमेजोन प्रोडक्ट सोर्सिंग, अगर सर्च कर लेते हैं आप यहाँ पे, तो अगर आप अमेजोन प्रोडक्ट सोर्सिंग सर्च करें और यहाँ पे इसको आप फाइंड आउट कर लें सोर्सिंग फ्रॉम अलीबाबा एंड अली एक्सप्रेस, इसको ही हम लोग देख लेते हैं। तो जब आप इसको देखेंगे तो नीचे आप जब जाएंगे इसके केक डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो ये आपको यहाँ पे कुछ कन्विंसिंग वो दे रहा होगा, आर्गुमेंट्स कह रहा होगा। इसमें कह रहा होगा कि जी प्राइवेट लेबल एंड बंडल ऑफर पैकेजिंग देगा, शिपिंग मैनेजमेंट होगी, कस्टम और ड्यूटीज की मैनेजमेंट होगी। और अगर आप यहाँ पे इसको देखें तो ये क्या कह रहा है यहाँ पे, गाइड अबाउट सोर्सिंग, कंप्लीट डिस्कशन एंड गाइड अबाउट सोर्सिंग ऑफ वन प्रोडक्ट और प्लस वेरीफाइड सप्लायर। इसका मतलब है कि सोर्सिंग अच्छी सोर्सिंग में आपको वेरीफाइड सप्लायर भी ढूंढने पड़ते हैं। यहाँ से अगर हम लोग एक और कंपेयर करके देख लें तो हमें वहां से भी कुछ आइडियाज मिल जाते हैं। इसको हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हम लोग ये सर्विसेज आपको देंगे। अच्छा अब यहाँ पे बात हो रही है वो क्या कह रहे हैं जी, मैं सप्लायर मैन्युफैक्चरर ढूंढ के दूंगा आपको, निगोशिएशन करूंगा आपके बिहाफ पे, सप्लायर मैन्युफैक्चरर की वेरिफिकेशन करूंगा, कंपैरिजन दूंगा आपको मुख्तलिफ सप्लायर के दरमियान, आपको एक्सेल की पूरी रिपोर्ट दूंगा और लोगो और पैकेजिंग की रिपोर्ट की प्राइसिंग दूंगा, DDP, EXW, FOB इनकी ये प्राइसेस लेके दूंगा, सैंपल अरेंज करके दूंगा। और उसके बाद वो कह रहे जी जो वो सप्लायर ढूंढ के दूंगा जो कि लेस लीड टाइम होगा जिसका, फिर उसके बाद FBA सोर्सिंग करवा, मतलब उनको उनसे सोर्सिंग करेगा जो कि FBA को समझते होंगे। तो ये सारे के सारे वो फीचर यहाँ पे देगा अगर प्रोडक्ट सर्विस प्रोडक्ट सोर्सिंग की सर्विस अगर वो देता है। प्लस यहाँ पे एडिशनल वो दे रहा है फॉर वेरीफाइड सप्लायर, प्रोडक्ट प्राइस कंपैरिजन, DDP एंड ESW प्राइस और कंप्लीट एक्सेल रिपोर्ट। तो इसका मतलब है कि जब आप सोर्सिंग करते हैं तो सोर्सिंग में आप भी जब मैन्युफैक्चरर को ढूंढते हैं तो मैन्युफैक्चरर को ढूंढने के लिए आप फिर उसको उसमें यही एट्रीब्यूट देखते हैं। उसमें एक सोर्स मैंने आपको बताया अलीबाबा। अच्छा ये याद रखिएगा अभी मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस नहीं बता रहा, अभी मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू करवा रहा हूँ। तमाम जो सर्विसेज का है आप एज ए VA देंगे उनका ओवरव्यू करवा रहा हूँ। तो अलीबाबा पे आप जाते हैं, यहाँ पे आप फर्ज करें कि जी अगर आपको गार्लिक प्रेस ही चाहिए तो आप गार्लिक प्रेस लिखते हैं, और गार्लिक प्रेस लिख के तो यहाँ पे जो आपके पास मैन्युफैक्चरर आते हैं तो उसमें से फिर कुछ आइडियाज, कुछ टूल्स तो हमारे पास हैं, कुछ ऑप्शंस तो हमारे पास हैं जो यहाँ पे शो हो रही हैं, और हमें वहां से आइडिया हो जाता है कि आया ये सैलर वर्थ करता है कि नहीं वर्थ करता, वो यहाँ पे शो हो रही हैं। तो इनमें से कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो कि आपने जिनका जिक्र किया, जैसे आपने इसे रिस्पॉन्स टाइम कहा कुछ लोगों ने कि सैलर का जो सैलर रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, तो रिस्पॉन्सिव का आप देखें तो यहाँ पे आपका पास रिस्पॉन्सिव का नंबर आ रहा है। इसको डिटेल में हम लोग जब हम अपना मॉड्यूल करेंगे तब हम देखेंगे, लेकिन हमारे पास ये था कि इस तरह हमारे पास एक एक ऑप्शन हमारे पास अलीबाबा की अवेलेबल है। सेकंड उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल है मैंने आपको भी बताया वो है ग्लोबल सोर्सेज। आप ग्लोबल सोर्सेज को भी यूज कर सकते हैं, और यहां से आप अगर जाएं तो यहाँ पे ग्लोबल सोर्सिंग को यूज कर लें। तो जस्ट लाइक अलीबाबा आप अगर चाहें तो आप इसको यहाँ पे भी गार्लिक प्रेस ही प्रेस को ही देख लें कि गार्लिक प्रेस के यहाँ पे क्या हालात हैं। तो आप तो इसी तरह यहाँ पे भी मुख्तलिफ प्रोडक्ट नजर आ रही हैं, और आप यहाँ पे इसको फिल्टर कर सकते हैं। अगर आप इसके लेफ्ट साइड पे देखें तो यहाँ पे आपके पास फिल्ट्रेशन के ऑप्शन भी अवेलेबल है। ठीक है, जब ये करेंगे हम लोग तो तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये कैसे करेंगे हम लोग।
इसके बाद मैंने आपको एग्जांपल दी थी इंडिया मार्ट की। लेट सपोज कि आप अगर किसी वजह से इंडिया में काम करना चाह रहे हैं तो आप इंडिया मार्ट को यूज कर सकते हैं। तो इंडिया मार्केट मार्क भी एक बी टू बी मार्केट प्लेस है, और इसके लिए भी आप यहाँ पे फॉर इंस्टेंस आप यहाँ पे फर्ज करें हम लोग गार्लिक प्रेस को ही देख लेते हैं। तो गार्लिक प्रेस को हम लोग देखें तो यहाँ पे ये मुंबई से जो है ना सुभान ट्रेडर्स ये प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, और आप चाहें तो फिर यहाँ से भी कंपेयर कर सकते हैं। सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग है वो चाइना में है, तो आपको जितना अच्छा चाइना से मिलेगा वो आपको कहीं से नहीं मिलेगा। और अलीबाबा आपको बहुत से ऐसे फिल्टर देता है जिसकी वजह से आपकी जो आपकी परचेजिंग है वो बहुत सिक्योर हो जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दी थी कि हम अपनी लोकल मार्केट में लेट सपोज चले जाते हैं, तो हम लोकल मार्केट से सब कर लेते हैं उसको अरेंज। तो आप यहाँ पे करें जैसे कोई भी करें जैसे सियालकोट मैन्युफैक्चरर, अगर आप किसी को भी सर्च करें तो आप के पास यहाँ पे मुख्तलिफ कंपनीज आ जाती हैं। फॉर इंस्टेंस के आपके पास कोई भी अगर यहाँ पे आई है, आप पेज टू पे चले जाएं और आपके पास ये आ गई प्रोडक्ट कंपनी, तो आप देख सकते हैं कि इनकी ये प्रोडक्ट है स्पोर्ट्स वेयर की और इनकी ये ग्लव्स वगैरह हैं। तो आप अगर ये आपके साथ कोई एग्रीमेंट कर दें तो आप इनकी प्रोडक्ट भी चाहें तो इनको भी सोर्स कर सकते हैं। लेकिन जाहिर है जब यहाँ पे भी आप काम करेंगे तो आपको वो सारे के सारे जो दुश्वारियाँ आती हैं क्वालिटी की वो आपके सामने आएंगी ही आएंगी, कि आपको क्वालिटी मेंटेन करना होगी, इन टाइम ऑर्डर्स वगैरह लेना होंगे, तो उसके लिए फिर आपको जाहिर है उसको थोड़ा सा इनके साथ डीलिंग आपको थोड़ा सा और तरह से करना पड़ेगी। तो आप वो तमाम आपको जो मैंने यहाँ पे दिखाया है ये जो चीज़ें यहाँ पे इन सब चीज़ों को इंश्योर करते हैं, और मज़ीद जो इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं एक अच्छे सप्लायर के वो आपको जब हम डिटेल में करेंगे तब आपको बताएंगे, और तब आपको ये भी बताएंगे कि आप कैसे अपना जो परचेज डिसीजन है वो एक सिक्योर परचेज डिसीजन आप कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद हम लोग वापस हमारे पास यहाँ पे जब आप सोर्सिंग कर लेंगे तो देन आपको अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करना होगा, लिस्ट प्रोडक्ट ऑन Amazon। तो जब आपने Amazon पर लिस्ट करना है प्रोडक्ट को तो उसका हम लोग देख लेते हैं कि लिस्ट में हमारे पास क्या क्या चीजें हमारे पास मौजूद है या कौन कौन से ऐसे ऑस्पेक्ट्स हैं जिन्हें हमें देखना पड़ता है। जो नेक्स्ट हमारी सर्विस है वो है लिस्टिंग क्रिएशन। ठीक है। उसमें बहुत से फैक्टर्स में फिर कंट्रीब्यूट करेंगे आपको। एक चीज़ तो आपको मैंने पहले बताई थी, आपको GTIN का करना पड़ेगा कुछ आपको, फिर उसके बाद आपको इमेज के ऊपर अपने वर्किंग करनी पड़ेगी, फिर आपको क्या कहते हैं उसको ये देखना पड़ेगा कि आपका आपको समझना पड़ेगा गेटेड और एंड अनगेटेड कैटेगरी को समझना पड़ेगा, कैटेगरीज को समझना पड़ेगा। फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सी प्रोडक्ट्स को प्रोडक्ट्स रिक्वायर्ड अप्रूवल। ठीक है। और उसके बाद आपको इसमें अपने जो गुड परफॉर्मिंग कीवर्ड हैं, गुड परफॉर्मिंग कीवर्ड्स हैं वो आपको निकालने पड़ेंगे। फिर आपको वो जो अपनी आपके जो परफॉर्मिंग कीवर्ड हैं इंटेलिजेंटली यूजिंग परफॉर्मिंग कीवर्ड्स, ये सारे के सारे प्रोसेस जो हैं ये सारी की सारी चीजें आपको हम लोग बताएंगे कि जब आप इसको जब लिस्ट करेंगे तो GTIN। आप हिना सफदर आप फर्स्ट टाइम हैं या आप शुरू से नहीं है क्या यहाँ पे कोर्स में? GTIN पे डिस्कस वैसे हो चुका है काफी। GTIN का मतलब है जी ग्लोबल प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है। आप इसको सेंस कर लें GTIN से। तो ये प्रोडक्ट का आइडेंटिफायर है कि आपकी प्रोडक्ट को ग्लोबली कैसे रिकॉग्नाइज किया जाता है। जो ग्लोबली आपकी प्रोडक्ट को रिकॉग्नाइज किया जाता है, जो ग्लोबली आपकी प्रोडक्ट को रिकॉग्नाइज किया जाता है वो किन किन से किया जाता है जी आपको पता है जी?
सॉरी जी, ट्रेड है जी, सॉरी जी, आप ठीक कह रहे हैं, ट्रेड। अच्छा जी, आप जो ग्लोबल हमारे पास ट्रेड GTIN है, वो कौन कौन से हैं? ETN नहीं है, EIN है। अच्छा जी, और ग्लोबल ट्रेड आइडेंटिफिकेशन नंबर कौन कौन से हैं? UPC, ठीक है। सॉरी जी, UPC और JAN और ISBN, ठीक है जी। ISBN, ये EIN है कि EAN है? तो ये आपको ठीक है जी, EAN है ये, यहाँ पे आपको EAN, ये यूरोपियन होगा।